हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत माई टी वी 18 चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 6 ऐसे वीडियोस लेके आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन हॉन्टेड घरों में रियल घोस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आइए दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन कैमरों में कैद किए गए भूतों को। दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में एक लड़की जैसी आकृति दिखाई दे रही है और ये वीडियो पोस्ट करने वाले का यह दावा है कि वो एक बहुत ही पुराने बंद पड़े हुए घर के पास से अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करते हुए गुजर रहा था, तभी उसके कैमरे में एक लड़की का भूत रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों मुझे तो इस वीडियो पे डाउट है, आपका क्या सोचना है आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में इस घर के पास इन्वेस्टिगेट करने आए एक आदमी के कैमरे में काले से साए जैसी चीज़ रिकॉर्ड हो गई। इस आदमी का ये कहना है कि ये एक भूत है और इसको यहाँ पर घूमते हुए बहुत से लोगों ने महसूस किया था और अनफॉर्चुनेटली इसके कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। Thank you.
दोस्तों, ये वीडियो बनाने वाले का ये कहना है कि कुछ दिनों से ये अपने कमरे में रात के टाइम पे कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस कर रहा था। तभी इसने सोचा कि क्यों ना अपने कमरे में एक कैमरा लगाया जाए और रात भर बाहर रहा जाए, ताकि इस कमरे में होने वाली हर हरकतें इस कैमरे में कैद हो जाए। दोस्तों, जैसे ही वो सुबह आकर अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर ये सब हरकतों के बावजूद एक लड़की के साये जैसी कोई चीज़ भी इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। दोस्तों, ये सच में बहुत ही डरा देने वाली वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, इस घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग करने आए टीम का एक कहना था कि इस घर में इन्वेस्टिगेट करना उनकी लाइफ का सबसे हॉररेबल एक्सपीरियंस था। वो लोग का ये भी कहना है कि जब वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आए, तभी से वो लोग के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना चालू हो गई थी। कुछ देर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोग का ये कहना है कि उन लोग को इस फ्लैट के अलग अलग कमरों से डरा देने वाली आवाजें आना शुरू हो गई थी। जैसे ही वो लोग उन आवाजों का पीछा करते हुए एक रूम में इंटर होते हैं, तभी उन लोग के कैमरे में कुछ डरा देने वाला कैद हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है उन लोग को। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर उन लोग के कैमरे में एक लड़की के साये जैसी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो पोस्ट करने वाले का ये कहना है कि ये एक बहुत ही पुराना बंद पड़ा हुआ घर है, जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, और ऐसा बताया जाता है कि ये घर में रूहें रहती है, इसीलिए ये घर बहुत ही हॉन्टेड है। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने यह सोचा कि इस घर में कुछ शूटिंग करके देखते हैं। कुछ देर यहाँ पर वो स्पेंड करने के बाद उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसे देख कर वो बहुत ही डर जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही डरा देने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में एक लड़की की आत्मा जैसी कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।
दोस्तों ये वीडियो 2017 का है और ये एक गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे का वीडियो है, जहां से आप देख सकते हैं कि एक लड़की नीचे उतर रही है और उसके सामने से गुजरती हुई एक आत्मा जैसी, एक साय जैसी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि इस लड़की ने भी वो साय जैसी कोई चीज़ को सामने से गुजरते हुए गौर किया था, और ये लड़की जब पलट के भी उस चीज़ को देखने की कोशिश करती है, जब उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, डर जाती है, तभी वो वहाँ से निकल के भाग जाती है। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।